यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा का वीडियो एक बार फिर वायरल हो रहा है। इसमें मोहसिन सीएम योगी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने आज 6.90 लाख करोड़ रुपए का मेगा बजट पेश किया है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मीडिया के सामने आए। इस दौरान एक ऐसा वाक्या हुआ जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि फोटो खिंचवाने के लिए पूर्व मंत्री मोहसिन रजा धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने फोटो खिंचवाने के लिए मंत्री बलदेव सिंह ओलख और मंत्री संदीप सिंह को धक्का दे दिया और आगे आने लगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को इशारा किया और कुछ बातें कही। इसके बाद मोहसिन थोड़ा पीछे हटे, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पीछे मुड़े और सदन की ओर चले गए। 11 सेकंड का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2017 में आई योगी सरकार का 7वां बजट पेश किया। ये बजट ऐसे समय में आया जब यूपी की झोली में 33 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में योगी सरकार के इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। वहीं बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा था कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हमारा प्रदेश न केवल भारत का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है, लेकिन गंगा के उपजाऊ मैदानों के किनारे प्रदेश में प्राचुर प्राकृतिक संसाधन विद्यमान है। वहीं उन्होंने बताया कि देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 8% से ज्यादा है,